गजाननं भूतगणादिसेवितं कपेत जम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपंकजं। श्री गणेशाय नमः। मैं डॉक्टर शशांक और आपका स्वागत है खास कार्यक्रम शुभ संयोग में। सबसे पहले बात करेंगे आज के पंचांग की। 25 मई 2022 ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष दशमी तिथि बुधवार का दिन है। उत्तराभाद्र नक्षत्र नक्षत्र स्वामी शनिदेव नक्षत्र देवता अहिर्बुद्ध योग प्रीति योग है। प्रीति को अधिकांश मांगलिक कार्यों के लिए शुभ माना जाता है। इस योग में बहुत से मांगलिक कार्यों में सिद्धि प्रद योग बनता है, सिद्धि मिलती है, सफलता मिलती है, भाग्योदय होता है। गंडमूल नहीं है, पंचक है। सूर्योदय सुबह 5:26 पे, सूर्यास्त शाम 7:11, राहुकाल दोपहर 12 से 1:30 के बीच में राहुकाल है। दिशाशूल की बात करें तो उत्तर और उत्तर पूर्व दिशा ईशान कोण की तरफ यात्रा न करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। दिशाशूल में यात्रा अगर करना ही है तो आपको उसका उपचार कर लेना चाहिए। सफ़ेद तिल गुड़ दही का प्रयोग करें, केसर का टीका या चंदन का टीका लगा करके आप मांगलिक यात्रा कर सकते हैं। शुभ रंग की बात करें तो हरा और श्वेत रंग शुभ रंग है। ज्योतिष विज्ञान के हिसाब से राहु शनि और केतु को क्रूर ग्रह की संज्ञा दी गई है। इन ग्रहों को क्रूर ग्रह माना जाता है। ग्रहों के खराब होने से व्यक्ति के जीवन में बहुत ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, इसलिए इनकी शांति कई प्रकार से की जाती, कई उपाय किए जाते हैं। आमतौर पे कौन से ग्रह आपके जीवन में विपरीत प्रभाव डाल रहे हैं इस बात की जानकारी कुंडली से ही प्राप्त होती है, लेकिन ज्योतिष विज्ञान में कुछ ऐसे संकेत बताए गए हैं जिनके माध्यम से आपको इन ग्रहों के खराब होने की जानकारी मिल सकती है, जिसके आधार पर आप इन्हें शांत करने के लिए उपाय भी कर सकते हैं। शरीर में हर ग्रह का अपना एक स्थान होता है। यदि आपके सिर से लेकर के गले तक किसी भी प्रकार की गंदगी या खास खार एकत्रित है तो आप पर राहु का प्रकोप है। इसी तरह यदि आपके फेफड़े पेट और पैर में किसी प्रकार का कष्ट है तो आप पर केतु का प्रकोप है। और यदि आपकी हड्डी दांत आंत या बाल में कोई परेशानी है तो आप पर शनि का प्रकोप है, शनि का प्रभाव है। आज के शो में हम राहु के वजह से क्या समस्या आती है इस पर बात करेंगे, जानेंगे राहु क्या क्या नुकसान कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं पहली चार राशियों का भविष्य फल। मेष राशि, गोचर के ग्रह और लग्न कुंडली के हिसाब से अगर देखा जाए तो मंगल और सूर्य चंद्रमा के विशेष प्रभाव को देखते हुए परिवार में सुख शांति धन धान्य की स्थिति बनने जा रही है। दोपहर के बाद संतान या परिवार के किसी सदस्य को लेकर के थोड़ा तनाव होगा। बहुत अच्छा होगा कि आज के दिन आप शांति के साथ गुजारिए। मेष राशि की महिलाएं आज घर के विकास पर विशेष ध्यान दें। अपने व्यक्तिगत मुद्दों को आप छोड़ दीजिए, अपने पति और घर के बच्चों पर विशेष प्रकार से ध्यान देना है। नौकरी और दफ्तर की बात करें तो कोई भी काम सामने आए उसे ठीक से और सही ढंग से कीजिए, समर्पित भाव से कीजिए। किसी भी पेपर पर साइन करने के पहले आज एक बार अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। जल्दबाजी में कोई गलती मत कर दीजिएगा, क्योंकि कोई व्यक्ति आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है, आपकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए प्रयास कर रहा है। स्वास्थ्य से संबंधित कष्ट रहेगा। राहु और शनि का जो प्रभाव है विशेष ध्यान देने वाला है। पेट में समस्या दर्द का सामना करना पड़ सकता है। बहुत अच्छा होगा अगर आप घोड़ों चना पशुओं पक्षियों को प्रसाद रूप में दीजिए, खिलाइए, बंदर को खिलाइए या वृक्षारोपण कीजिए, वृक्ष में जल दीजिए तो आपका दिन मंगलमय होगा। वृषभ राशि, आज परिवार में सुख शांति का वातावरण बना रहेगा, कुछ ना कुछ अच्छा होगा। अपने घर को साफ सुथरा रखिए ताकि पॉजिटिविटी आए। स्वच्छ रखने से ग्रह प्रसन्न होते हैं, ग्रहों का अनुकूल प्रभाव पड़ता है। पुराने टूटे फूटे सामान शीशे और तमाम निष्क्रिय खिलौने हैं उन्हें घर में रखने से राहु का प्रभाव बढ़ता है, नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो घर में तनाव झगड़े भी इसी कारण से होते हैं, इसलिए उनको हटा दीजिए। वृषभ राशि की महिलाएं आज प्रसन्न रहें, अपने विकास पर ध्यान दें, घर में शांति और संयम को स्थापित करने में सहयोग करें। अपने श्रृंगार और अपने व्यक्तित्व के विकास पर आपको विशेष प्रकार से ध्यान देना होगा। आज ऐसी वस्तुओं को घर से बाहर कर दीजिए
जिससे घरवार की शोभा प्रभावित होती है। ऐसी बेकार चीजों को हटा दे। वही व्यापार जगत से संबंधित लोग सौदा करते समय ध्यान दें। साथ ही साथ व्यापार में कोई कमिटमेंट आज मत कीजिएगा। निवेश से संबंधित कोई भी काम मत करें, नुकसान हो सकता है, इसलिए आज निवेश के बारे में विचार त्याग दीजिए। ज़्यादा अच्छा होगा कि आप निवेश से दूर रहिए। नौकरी और दफ्तर में भी नियम संयम बनाए रखिए। किसी भी योजना के लिए नया काम आज शुरू मत कर दीजिएगा, आज ठीक समय नहीं है। स्वास्थ्य सम रहेगा, पूरे शरीर में भारीपन आलस्य नेगेटिविटी बनी रहेगी। बहुत अच्छा होगा, नियमित व्यायाम शुरू कर दीजिए। भगवान सूर्य को जल तर्पण कीजिए। मिथुन राशि, गोचर के ग्रह लग्न कुंडली के हिसाब से परिवार में किसी विषय को लेकर के परेशानी आने वाली है। चाहे बच्चों की समस्या हो या घर पर कोई निर्माण कार्य हो, कोई परिवर्तन हो, कोई काम काज हो, छोटी मोटी ऐसी समस्याएं रहेंगी जो तनाव का कारण बन सकती है। इसलिए आप लोगों को सलाह देता हूँ कि संयम बरतिए और कोई भी ऐसा विषय आ रहा है तो उसको धैर्यपूर्वक समायोजित कीजिए, मेंटेन कीजिए, समस्या ना आए उस पर ध्यान दीजिए। वहीं मिथुन राशि की महिलाएं यदि आज किसी किटी पार्टी या किसी भी पार्टी में जा रही हैं तो ध्यान दीजिएगा, दूसरी महिलाओं के बहकावे में मत आइएगा। अपना परिवार अपना है, अपना पति अपना है, ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दूसरों को देख करके अपने घर को जलाने की जरूरत नहीं है। दूसरों की भावनाओं से प्रभावित मत होइएगा। धैर्य संयम के साथ अपने परिवार अपने घर में मन लगाइए और खुशियाँ लाइए। व्यापार जगत से संबंधित अच्छी खबर है, धन लाभ की संभावना, निवेश करने से लाभ होगा। विदेश से संबंधित जिनका व्यापार है उनके लिए भी बहुत शुभ समाचार मिलने वाला है। नौकरी और दफ्तर में भी शांति और संयम का वातावरण रहेगा और बहुत अच्छा समय है कि आप आज संकल्प करके किसी कार्य को आगे बढ़ाइए। वहीं स्वास्थ्य को लेकर के अच्छी खबर नहीं है। शारीरिक कष्ट का योग, पृष्ठभाग में तकलीफ हो सकती, कंधों में तकलीफ हो सकती है, गर्दन के ऊपर कंधों के आसपास तकलीफ का विशेष योग है। शारीरिक कष्ट का योग बन रहा है। भगवान गणेश जी का स्मरण कीजिए और सफ़ेद चंदन का टीका लगाइए, आपकी समस्या का समाधान होगा। कर्क राशि, गोचर के ग्रह और लग्न कुंडली के हिसाब से देखा जाए तो परिवार में किसी बाहरी व्यक्ति की वजह से सुख शांति छिन सकती है, इसलिए बाहरी व्यक्ति के विचार को आज घर तक ना आने चाहिए। कि बहुत से रिश्तेदार होते हैं, मित्र होते हैं, पड़ोसी होते हैं, घर के अंदर आ करके चाय पी करके कुछ ऐसा परामर्श दे जाते हैं कि घर में एक झगड़ा उत्पन्न हो जाता है। ऐसे लोगों से सतर्क हो जाइए आज, और इस बात का ध्यान रखिएगा कि संयम अपना घर विशेष है। कर्क राशि की महिलाएं आज घर को सजाइए, सवारिए, घर को एक नया स्वरूप दीजिए, एक परिवर्तन लाइए, क्योंकि घर में जितनी चीज़ें व्यवस्थित रहेंगी, जितना साफ सुथरा घर रहेगा उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा और उतने ही बढ़िया कल्पना आएगी, उतनी अच्छी अनुभूति आएगी। घर में शांति की व्यवस्था रहने से आज आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा, सिर में भारीपन हो सकता है, घबराहट, बेचैनी। आवाज सुबह के समय किसी गरीब व्यक्ति को रोटी सब्जी या पूड़ी सब्जी या ब्लड डोनेट कर सकते हैं, निश्चय ही आपका ग्रह कटेगा। बात करेंगे जन्म कुंडली में शनि पीड़ित है, अगर कोई शनि का प्रभाव है, घुटनों के दर्द, कमर का दर्द, गर्दन का दर्द, रीढ़ की हड्डी की समस्या, कोहनी और कंधों के ज्वाइंट में दर्द, ऐसी विशेष समस्याएँ होती हैं। ज्योतिष हमारे स्वास्थ्य और शारीरिक गतिविधियों को समझने के लिए उनके निदान में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका ज्योतिष विज्ञान की है। शरीर से संबंधित चोट, दर्द, रोग संबंधित ग्रहों से ही होता है। ज्योतिष में शनि को हड्डियों या जोड़ ज्वाइंट पेन का कारक माना गया। नसों से संबंधित तकलीफ, हमारे शरीर में हड्डियों का नियंत्रक ग्रह तो सूर्य है पर हड्डियों के जोड़ों के लिए शनिदेव है जो उन्हें कंट्रोल करते, इसलिए हमारे शरीर में हड्डियों के जोड़ या ज्वाइंट पेन को यदि देखा जाए तो हमारी कुंडली में शनि के बल पर निर्भर करता है कि कुंडली में शनि पीड़ित स्थिति में होने पर व्यक्ति अक्सर ज्वाइंट पेन, आर्थराइटिस या ऐसे दर्द से परेशान रहते हैं। कुंडली में शनि पीड़ित होने पर घुटनों में भी दर्द होगा, कमर में भी दर्द होगा, गर्दन का दर्द, रीढ़ की हड्डी की समस्या, कोहनी और कंधों के ज्वाइंट में दर्द होना, ये सारी समस्याएं आप देखिए समझिए। अब बात करेंगे अगली चार राशियों की। सिंह राशि, गोचर के ग्रहों के हिसाब से अगर देखा जाए तो परिवार में सुख शांति का वातावरण आएगा। माता पिता के स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान देना है, उनके ऊपर चिंता करिए, उनके ऊपर गंभीरता दिखाइए, उनका मेडिकल चेकअप भी करवाइए, क्योंकि माता पिता के आशीर्वाद से घर में सुख समृद्धि और भाग्योदय होता है, लोग दीर्घायु होते हैं। महिलाएं आज के दिन घर में कुछ विशेष व्यंजन बनाएं, कुछ भोजन बनाएं, शुक्र प्रसन्न होंगे, महिलाओं के आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, घर में खुशी आएगी
और व्यक्तित्व का विकास होता है, सुंदरता आती है, निखरता है व्यक्तित्व। वही व्यापार जगत में नुकसान की संभावना है। व्यापार के फैसले बहुत सोच समझ के लीजिएगा। विदेश से संबंधित जो लोग जो व्यापार करते हैं वहाँ लाभ का संयोग भी बन रहा है। कार्यालय या दफ्तर में किसी बात को लेकर के नाराज मत होइएगा। मधुमेह और रक्तचाप के जो विकार से ग्रसित लोग हैं उनका कष्ट बढ़ सकता है। ध्यान दीजिए, आज के दिन कुत्ते और गाय को दिया गया भोजन आपके कष्ट को दूर करेगा। कन्या राशि, गोचर के ग्रहों के अनुसार लग्न कुंडली बुध शुक्र और राहु के प्रभाव से परिवार में अशांति का वातावरण हो जाएगा। छोटी मोटी बात को लेकर के झगड़ा, विवाद, क्लेश बढ़ेगा। ग्रह क्लेश से मूड खराब होगा। आपका सद्भाव बनाए रखे, परिवार में प्रेम और सौहार्द की स्थापना कीजिए। कन्या राशि की महिलाएं आज घर के बाहर निकल करके श्रृंगार का सामान खरीदें। श्रृंगार का सामान खरीदने से सौभाग्यवती होती हैं। वहीं व्यापार, शेयर बाजार में निवेश से लाभ, स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतें आएंगी, इन्फेक्शन और आवास संबंधित संक्रमण हो सकता है। घर का बचा हुआ खाना किसी गरीब व्यक्ति को दक्षिणा के साथ दान देना शुभ रहेगा। तुला राशि, लग्न कुंडली गोचर के ग्रहों के मुताबिक शुक्र चंद्रमा परिवार में सुख शांति की स्थिति बनाएंगे। बच्चों को लेकर के शांति और खुशी का माहौल, बच्चों की शिक्षा, उनके विकास से एक सुख मिलेगा। बच्चों के लिए भी खुशी की बात होगी। दोपहर में परिवार में किसी बेकार की बात, अर्थहीन बात को लेकर के संवाद मत कीजिएगा। खासकर पति पत्नी संयम बनाए रखें। महिलाएं आज के दिन अपने माता पिता के स्वास्थ्य का समाचार लें, उनसे उपहार या आशीर्वाद लेने की कोशिश करें। नौकरी या दफ्तर में आपको क्रोध आएगा, गुस्सा आएगा, चिड़चिड़ापन होगा। आज मकान या जमीन के विवाद में सफलता मिलने की संभावना है। न्यायालय में अच्छा समय है। आज किसी भी प्रकार के कोर्ट कचहरी के कागज पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। स्वास्थ्य संबंधित बाधाएं रहेंगी। सिर में भारीपन, घबराहट, बेचैनी, मन ना लगना, आलस्य का सामना करना पड़ सकता है। भगवान शिव की आराधना कीजिए, भगवान शंकर जी का ध्यान कीजिए, ओम नमः शिवाय, या किसी दिव्यांग व्यक्ति की सेवा करिए, उसको कुछ दान दीजिए। वृश्चिक राशि, लग्न कुंडली और गोचर के हिसाब से देखा जाए तो परिवार में किसी पुरानी बातों को लेकर के विवाद बढ़ सकता है। आपके अपने ही दुख का कारण बनेंगे। अपने लोगों से निराशा होगी, मन दुखी रहेगा, निरस्ता का भाव आएगा। दिन सबका अच्छा आता है, धैर्य रखिए, आपका भी दिन आएगा। वृश्चिक राशि की महिलाएं आज बैठ करके अपने पति से बात करें, उनसे अपनी इच्छा को अभिव्यक्त करें। व्यापार बिजनेस से संबंधित जो समस्याएं आ रही हैं वो ठीक हो जाएंगी। विदेश से संबंधित व्यापार में जो दिक्कतें आ रही उनमें भी सुधार होगा। शाम 4 बजे से रात्रि 9 बजे के बीच में निवेश करना शुभ रहेगा। पीठ में दर्द, कमर में दर्द, घबराहट, बेचैनी हो सकती है। नियमित व्यायाम करना आपके लिए अच्छा होगा। कुंडली का 10वां भाव घुटने का प्रतिनिधित्व करता है, घुटने से संबंधित है। वही 6ठा भाव कमर से संबंध रखता है। 3रा भाव कंधे से संबंधित है। सूर्य हड्डियों और कैल्शियम का कारक माना गया है। शनि, शुक्र और मंगल ग्रह लग्न अगर किसी कुंडली में दुर्बल है तो दुष्प्रभाव में है, तो जातक को गठिया से संबंधित बीमारी, गठिया रोग है। अगर शनि कुंडली में 6ठे या 8वें भाव में है तो घुटने कमर से संबंधित दर्द की समस्याएं बढ़ जाती हैं। शनि अगर नीच राशि यानी मेष में है तो भी व्यक्ति जोड़ों के दर्द से पीड़ित रहता है। शनि का केतु और मंगल के योग से पीड़ित होना भी ज्वाइंट पेन देता है। शनि अगर सूर्य से पूर्ण रूप से अस्त है तो भी जोड़ों के दर्द, जोड़ों की समस्याएं पैदा होती है। अगर कुंडली के 10वें भाव में कोई पाप योग, पापक ग्रह का योग बन रहा है, फिर 10म भाव में कोई पापक ग्रह नीच राशि में हो तो भी घुटनों के दर्द की समस्या रहती है। इस तरह 6ठे भाव में पापा योग बनना, पाप का योग बनना कमर के दर्द की समस्या बढ़ा देगा। अगर आपकी कुंडली में शनि पीड़ित है तो भी ज्वाइंट पेन की समस्या बढ़ेगी। बहुत धैर्यपूर्वक ध्यान देना है। अगली 4 राशियों की बात करेंगे। धनु राशि, लग्न कुंडली और गोचर के ग्रह को देखा जाए तो परिवार में एक ऐसा भाग्योदय का अनुकूल समय चल रहा है। बच्चों को लेकर के कुछ डेवलपमेंट का समाचार मिलेगा। पति का विकास होगा, पत्नी भी खुश रहेंगी, माता पिता में भी प्रसन्नता का भाव रहेगा। सबके बीच में सुख शांति और सौहार्द और विकास का वातावरण है। भाग्योदय का पूर्ण काल, भगवान का नाम लीजिए, ऐसा ही सब समय होता रहे, कृपा बनी रहे। धनु राशि की महिलाएं आज बाहर जाकर के कुछ मार्केटिंग जरूर करें, चाहे कुछ भी खरीदे। अपने मन में जो भी एक असंतोष है उसको दूर कीजिए, उसको खुशियों में तब्दील कर दीजिए। मन को प्रसन्न रखिए, ज़्यादा दुखी मत रहिए।
उसे कहीं ना कहीं लगाइए, कंसंट्रेशन बढ़ाइए, नौकरी या दफ्तर में भी लोगों का सहयोग मिलने जा रहा है, अच्छी खबर मिल सकती है, उन्नति, प्रमोशन, इंक्रीमेंट। उधर व्यापार में जो रुकावटें होंगी वो ठीक होंगी, व्यापार स्मूथ होगा। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य को लेकर के कोई विशेष कष्ट तो नहीं है, कोई प्राकृतिक समस्या आ जाए तो भगवान ही मालिक है, लेकिन समय अनुकूल है। आप ध्यान रखिए, आपको परेशान असहाय लोगों की, परेशान और असहाय लोगों की सेवा कीजिए, सहायता कीजिए, पुराने वस्त्र का दान कीजिए, इससे ग्रह मजबूत होते हैं। मकर राशि, लग्न कुंडली के गोचर ग्रह और ग्रहों का प्लेसमेंट देखा जाए तो परिवार में किसी व्यक्ति विशेष की समस्याएं दुख उत्पन्न करने जा रही हैं, दुख का भी समाचार मिल सकता है। थोड़ा संयम बरतिएगा, संतानों का सहयोग नहीं मिलेगा, मन में अच्छी भावना नहीं आएगी, नेगेटिविटी रहेगी। थोड़ा धैर्य और संयम धारण कीजिए और सामंजस्य बनाने की कोशिश कीजिए, पेशेंस रखिएगा। वहीं मकर राशि की महिलाएं मन में कोई खटास ना रखें, मन में जो भी चीज़ें हैं अपने माता पिता के साथ, सास ससुर के साथ, पति के साथ बात करके उसका समाधान रखें, उसे क्लियर कर लीजिए। नौकरी और दफ्तर में आप अपने मन की भड़ास निकाल लीजिए, आज अपने वॉस को मर्यादित तरीके से, डिसिप्लिन तरीके से, आप शब्दों का प्रयोग ना करते हुए अपने विचार, अपने मन को श्रद्धापूर्वक जा करके बताइए, उसे प्रदर्शित कीजिए और अपने डेवलपमेंट के बारे में पूछें, बात कीजिए, समाधान होगा। वहीं दिन के 2 बजे से 4 बजे के बीच व्यापारिक निर्णय का शुभ समय है, निवेश कर सकते हैं, खरीद फरोख्त कर सकते हैं, यह समय आपके लिए अच्छा रहेगा। शेयर मार्केट से लाभ के भी योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य से संबंधित थोड़ी बाधा रहेगी, पेट से संबंधित कष्ट, गैस्ट्रिक ट्रबल इत्यादि हो सकता है। लीवर के जो रोगी हैं उन्हें विशेष ध्यान देना पड़ सकता है, क्योंकि वो आपको खान पान से समस्या बढ़ सकती है। खान पान पर नियंत्रण कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, योगासन कीजिए, सूर्य भगवान को जल तर्पण कीजिए। कुंभ राशि गोचर कुंडली के अनुसार अगर बात करें तो परिवार में खुशी और शांति आने वाली है, माता पिता से बच्चों को खुशी मिलेगी, एक दूसरे को खुशी देने की कोशिश कीजिए, प्रसन्नतापूर्ण वातावरण बनाइए। उधर महिलाएं, कुंभ की महिलाएं, कुंभ राशि की महिलाएं आज अपने श्रृंगार पर विशेष रूप से ध्यान दें, क्योंकि इससे आपकी निरस्ता दूर होगी। आपको अपने श्रृंगार पर ध्यान देने से पॉजिटिविटी आएगी, शुक्र प्रसन्न होंगे। नौकरी और कामकाज की जगह आपको व्यवस्थित ढंग से चलना होगा, अपने काम को प्रायोरिटीज दीजिए, अपने प्राथमिकता के हिसाब से चलेंगे, सफल होंगे, आपका विकास तभी होगा। वही व्यापार जगत के लिए शुभ समाचार है, लेकिन शेयर मार्केट में निवेश दोपहर 1 बजे तक ही कर सकते हैं, शाम के समय ना करें। स्वास्थ्य संतुलित रहेगा, लेकिन फिर भी शाम के समय ऐसा गर्ष्ट भोजन मत कर लीजिएगा कि आपका स्वास्थ्य बिगड़ जाए। तिल के तेल का दीपक जला करके उपासना कीजिए, कष्ट दूर होगा। मीन राशि गोचर के ग्रह, लग्न कुंडली, बृहस्पति, शुक्र, चंद्रमा के फल को अगर देखा जाए तो आपके घर में बच्चों से विशेष सुख मिलेगा। पति पत्नी में सुख शांति और सामंजस्य की स्थिति बनने वाली है। आज घर पर उपहार भी मिल सकता है, कोई शुभ समाचार भी मिल सकता है। मांगलिक समय चल रहा है, धन वृद्धि, सौभाग्य वृद्धि का समय है। वहीं मीन राशि की महिलाएं आज तनाव को दूर करें, संगीत, भजन, मूवी, पिक्चर जो भी देखना चाहे देखें, मतलब आनंद के साधन में अपने को इंगेज कर लीजिए, अपने जीवन को पॉजिटिविटी से परिपूर्ण कीजिए। केवल थका हुआ जीवन अच्छा नहीं रहता, कुछ संगीत, कुछ मूवमेंट, कुछ एक्टिविटीज भी रह लीजिए, थोड़ा ध्यान दीजिए। स्वास्थ्य से संबंधित कष्ट का योग बन रहा है, पीड़ा, त्वचा विकार की संभावना बन रही है, शरीर में वेदना हो सकती है। भगवान नारायण का ध्यान कीजिए, किसी गरीब व्यक्ति को भोजन या पुराने वस्त्र का दान दीजिए, कष्ट दूर होगा। न्यूमरोलॉजी, जिनकी जन्म कुंडली नहीं है वो लोग अंक विज्ञान के आधार पर या जन्मतिथि के आधार पर अपने भविष्य फल की जानकारी प्राप्त करें, और इसके पहले आप देखिए 25 मई को जन्मे हुए लोगों का भविष्य फल। बुधवार का दिन है, उत्तरा भाद्र नक्षत्र, प्रीति योग और चंद्रमा मीन राशि पर है। आज के दिन जन्म लेने वाले बच्चे भाग्यशाली होंगे, इन बच्चों के जन्म से पिता की स्थिति में काफ़ी सुधार होने वाला है, मामा की स्थिति में भी सुधार होने वाला है, और ये बच्चे देखने में आकर्षक तो नहीं रहेंगे लेकिन इनका व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा। अपनी योग्यता के बल पर ये बड़ी बड़ी उपलब्धि, नाम, यश, ख्याति प्राप्त करेंगे।
आज जिनका जन्मदिन है इनके लिए प्रारंभिक 6 महीने भाग्योदय वाले हैं। जो कार्य करना चाहते हैं उसकी शुरुआत कर सकते हैं, व्यापार भी शुरू कर सकते हैं, नौकरी के लिए प्रयास, नौकरी में बदलाव परिवर्तन का योग, विदेश यात्रा का योग। 7वें महीने में कानूनी समस्या आने वाली है और आरोप प्रत्यारोप की संभावना, कलंक लग सकता है, पत्नी का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, लेकिन 10वें और 12वें महीने के बीच संतुलन बनेगा, रुके हुए काम बनेंगे और नए भवन का योग बन रहा है। आपका शुभंग 7 है। सफ़ेद वस्तुओं का दान कीजिए, चावल गुड़ इत्यादि। माँ लक्ष्मी भगवान शंकर जी की पूजा करें, आपका वर्ष शुभतापूर्वक मंगलमय के साथ होगा। ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए, ओम श्रीम श्रीय नमः का जाप कीजिए। हर शुक्रवार को देवी जी का दर्शन करना आपके लिए भाग्योदय का मार्ग प्रशस्त करेगा। शुभ रंग की बात करें, सफ़ेद रंग या ऑफ वाइट, हल्का सफ़ेद, पिंक कलर, लोटस कलर आपके लिए शुभ होगा। इसके साथ ही हरे रंगों का भी प्रयोग कर सकते हैं, नॉर्मली बुधवार को पहन सकते हैं। यदि भाग्य प्रतिशत की बात करें तो आपका भाग्य इस बार 77% सपोर्ट करेगा। आपका जन्मदिन मंगलमय हो। अब जान लेते हैं अंक ज्योतिष से आपके मूलांक के आधार पर जो है आपका भविष्यफल। 1 सूर्य, सेहत पर विशेष ध्यान दीजिए, परिवार और बच्चों के विकास पर आप विशेष ध्यान दें। 2 चंद्रमा, परोपकार कीजिए, सेवा कीजिए, वृद्ध और माता पिता की सेवा से भाग्योदय होगा, धन लाभ का उचित समय है। 3 बृहस्पति, भाग्योदय होना संभव है, धन वृद्धि का योग, कार्य क्षेत्र में वृद्धि प्रगति। 4 राहु, मन को शांत रखिए, विवाद से दूर रहिए, अच्छे और रचनात्मक कार्यों में मन लगाइए। 5 बुध, निवेश कर सकते हैं, लाभ की संभावना है, विदेश यात्रा का योग बन रहा है, अच्छा समय है। 6 शुक्र, संयम और शांति बनाए रखे, दोपहर के बाद शुभ समाचार मिलने जा रहा है। 7 केतु, अचानक धन लाभ का योग बन रहा है, अचानक यात्रा का योग बन रहा है, मन शांत रखे। 8 शनि, घरेलू समस्याओं का समाधान कर लीजिए, दफ्तर में भी अपने कामकाज को ऑर्गेनाइज कीजिए। 9 मंगल, निवेश से लाभ, मित्र से लाभ होने वाला है, दफ्तर में प्रशंसा होगी, कार्य की प्रशंसा होगी। दुर्घटनाओं की संबंध में ग्रहों से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, ग्रहों का योग बनता है। अगर आप बार बार दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं, चोट लग रही है, गिर जा रहे हैं, गाड़ी लड़ जा रही है, तो आपको अपनी कुंडली के ग्रहों की स्थिति जान लेनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी कुंडली में शनि राहु और मंगल की स्थिति 6वें, 8वें और 12वें भाव में है, 6वें, 8वें या 12वें भाव में, तो ये अच्छा नहीं है। या फिर ग्रह नीच के हों और अशुभ नवांश में हों, तो भी आपका बार बार एक्सीडेंट होता है, चोट लगती है, परेशानी होती है। शनि का संबंध हड्डियों और नसों से भी होता है, इसलिए जब शनि खराब होते हैं तो बार बार ये दुर्घटना होती है, चोट लगती है, हड्डियों के फ्रैक्चर होने की संभावना बढ़ जाती है। इसी तरह राहु का संबंध दिमाग और आँख से होता है, पेट से होता है, और जब राहु प्रतिकूल होता है तो भी दुर्घटनाएँ होती है, चोट लगती है। और मंगल का संबंध कौन से होता है, आप देखिए, किसी व्यक्ति की कुंडली में मंगल यदि दुर्बल है, खराब है, तो उसका बार बार कभी ब्लेड से, कभी रेजर से चोट लग गई, कभी दाढ़ी बना रहे हैं, शेविंग कर रहे हैं, वहाँ हो गया, ऐसे में एक्सीडेंट और जोड़ों से संबंधित दर्द से बचना चाहिए। हर शनिवार को पीपल के पेड़ पर जाकर के उसके नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए और ओम संसरेश्वराय नमः का जाप कीजिए, निश्चित रूप से आपका कष्ट शांत होगा। इसके साथ ही आदित्य हृदय स्तोत्र पाठ अवश्य पढ़ना चाहिए। अब बात करेंगे जिनके पास जन्म कुंडली भी नहीं है, डेट ऑफ बर्थ भी क्लियर नहीं है, वो अपने नामाक्षर यानी अपने अल्फाबेट से अपने भविष्यफल को जान सकते हैं। 1 सूर्य, परिवार से शुभ समाचार मिलने वाला है, धन का निवेश कर सकते हैं। 2 चंद्रमा, नौकरी में बाधा, चिंता मत करें। 3 बृहस्पति, शारीरिक कष्ट के साथ दिन बीतेगा, दान पुण्य कीजिए, आपका मार्ग प्रशस्त होगा। 4 राहु, निवेश ना करें, सेहत पर विशेष ध्यान दीजिए। 5 बुध, मित्रों से लाभ, यात्रा से लाभ। 6 शनि, यात्रा ना करें, परिवार में शांति का वातावरण बनाए रखें। 7 बृहस्पति, व्यवसाय और दफ्तर में धोखे से सावधान। 8 बुध, मित्रों से सहयोग मिलेगा, आज लिया गया निर्णय शुभ होगा। 9 सूर्य, चिंता ना कीजिए, योग ध्यान में मन लगाइए, धैर्यपूर्वक दिन बिताइए। 10 सूर्य, भावनात्मक होना अच्छा नहीं है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बुद्धि विवेक से कार्य लीजिए। 11 चंद्रमा, मान सम्मान में वृद्धि का योग, यात्रा से लाभ होने वाला। 12 बृहस्पति, परिवार में शांति, धन को सुरक्षित रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 13 राहु, धन हानि की संभावना, निवेश से आपको बचना होगा। 14 बुध,
घर में शांति स्थापित कीजिए, झगड़े से दूर रहिए। ओ केतु, जीवन में संकट आएगा, धर्म कीजिए, धर्म कर्म कीजिए, दान पुण्य कीजिए। पी शांति, रुके हुए धन की प्राप्ति का योग, कामकाज में प्रोग्रेस। क्यों सूर्य शारीरिक कष्ट लेकिन साथ ही धन प्राप्ति और भाग्योदय का स्कोप है। आर चंद्रमा, नेशनल इंटरनेशनल ट्रेडिंग से जुड़े हुए लोग का लाभ, सेहत पर ध्यान दे। एस बृहस्पति, बिगड़े हुए काम बनेंगे, धैर्यपूर्वक दिन बिताए। टी राहु, यात्रा और निवेश से लाभ। यू शुक्र, पति पत्नी में सामंजस्य, फिर से सुख शांति की स्थापना होने जा रही है। अभी शुक्र, व्यवसाय दफ्तर में धोखा, धोखे से सावधान हो जाइए, धैर्यपूर्वक कामकाज कीजिए, गलत व्यक्तियों से सतर्क हो जाइए। डब्लू शुक्र, परिवार के साथ भ्रमण पे जाए, सुख आनंद में वृद्धि करे, जीवन में आनंद वृद्धि से भाग्योदय होता है। एक्स बुध, धन हानि से बचिए, विदेश से आपको शुभ समाचार मिलेगा। वाई सूर्य, बच्चों का विशेष रूप से ध्यान दीजिए, व्यवसाय से समय निकाल करके सेहत पर भी फोकस कीजिए। जेड केतु, यात्रा से लाभ, दफ्तर में काम की प्रशंसा होगी और शरीर को थोड़ा सा एक्टिव रखिए, तरोताजा रखिए। हस्तरेखा विज्ञान में पर्वों के माध्यम से विभिन्न प्रकार के शारीरिक रोग बीमारियों का पता लगता है, जैसा कि मैंने बताया। अब बात करेंगे कुछ और बीमारियों की। यदि मध्यमा में, ये मध्यमा में देखिए पर्व, जो मिडिल फिंगर है, पर्व में कोई सीधी रेखा सारे पर्वों को लिंक करके ऊपर की तरफ जा रही हो, यानी मध्यमा के पर्व में गाढ़ा रंग बहुत ज़्यादा हो, बहुत घनी रेखाएं हो, ऐसी रेखाएं रस्सी की तरह एक दूसरे को ओवरलैप कर रही हैं, तो हड्डियों से संबंधित गंभीर बीमारी होगी। आर्थराइटिस की प्रॉब्लम, जॉइंट पेन होना, कैल्शियम की कमी होना, D3 की कमी होना, और उठने बैठने में प्रॉब्लम होती है और अपने आप को दुर्बल महसूस करते। कभी कभी ये कष्ट अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आप देखिए, कुंडली में शनि ग्रह का एक बहुत बड़ा रोल होता है, कहीं ना कहीं शनि की स्थिति जब दुर्बल होती है ये कष्ट ज़्यादा बढ़ जाता है, या राहु की स्थिति होती है तो भी कष्ट बढ़ता है। बहुत अच्छा हो, भगवान शंकर जी की पूजा कीजिए, ओम नमः शिवाय, और देवी कवच पाठ कीजिए, दुर्गा सप्तशती में देवी जी का पाठ कीजिए और शनिदेव की भी आराधना कीजिए, ओम शनिश्चराय नमः, जिससे आपकी हड्डियों से संबंधित इन कष्टों का निराकरण होगा और इसमें मजबूती भी आएगी। अब बात करेंगे अनामिका उंगली की, रिंग फिंगर की, उंगली में बने हुए पर्व सीधी रेखा लिंकअप करे या काट रही हो, पूरा पर्व क्लियर नहीं है, एक दूसरे के ऊपर वो ओवरलैप करते हुए हैं, तो आपके सभी पर्वों में एक समान अनुपात भी नहीं है, एक उसका प्रोपोर्शन भी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में रक्त विकार की समस्याएं हो सकती है, एलर्जी की प्रॉब्लम होना, बहुत सी चीज़ों को खाते ही शरीर में सूजन आ जाना, नेत्र विकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं और नेत्र कमज़ोर होते हैं। अब हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि जो नेत्र विकार है उनकी भी तरह तरह की वैरायटीज़ हैं। यदि पर्व में कोई त्रिशूल का लक्षण बना हुआ है, ऊपरी पर्व में ऊपर की तरफ ये तीन रेखाएं अगर निकल करके ऐसे ऐसे जा रही लच्छे के रूप में, तो नेत्रों में रेटिना से संबंधित गंभीर रोग के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। और यदि मध्यम पर्व क्लियर नहीं है, ध्यान दीजिएगा, मध्यम पर्व क्लियर नहीं है, अनामिका उंगली में कोई आड़ी रेखा उसको काट रही है और लच्छेदार बहुत सी रेखाएं निकल करके आ रही हैं, तो ऐसी स्थिति में हृदय रोग से संबंधित बीमारी या फेफड़े से संबंधित विकार उत्पन्न हो जाते हैं, व्यक्ति कमज़ोर हो जाता है, दुर्बल हो जाता है। साथ ही साथ यदि कोई रेखा अनामिका के सारे पर्वों को लिंक कर रही है, सीधी रेखा जा करके सारे पर्वों को लिंक कर रही है, तो ऐसे स्थिति में गंभीर रक्त विकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, हीमोग्लोबिन की प्रायः कमी देखी गई है, खून से संबंधित प्रॉब्लम बीमारियां होती है, थैलेसीमिया की प्रॉब्लम भी हो सकती है जो कि एक गंभीर बीमारी है, इन कारणों से उत्पन्न होते ही ये बातों का अगर हम ध्यान दें, लिकोमिया भी हो जाता है, इन बातों का ध्यान दें, इससे संबंधित उपचार करें, सूर्य के प्रसन्नता पर ध्यान दें तो समस्या का निराकरण हो सकता है। आदित्य हृदय स्तोत्र पाठ पढ़िए और ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का नियमित जाप करना चाहिए, और आदित्य हृदय स्तोत्र पाठ को नियमित पढ़ना चाहिए, सूर्य को प्रसन्न करके आप इन सब बीमारियों को कंट्रोल कर सकते हैं, इन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, शरीर में अच्छा परिवर्तन होगा, अच्छा स्वास्थ्य बनेगा। महामंत्र, आपके घर में हमेशा लोग बीमारी से परेशान हैं, मानसिक कष्ट है, झगड़े हैं, क्लेश है, मुकदमे हैं, चोरी होती है, अर्थहानि है, या प्राकृतिक कष्ट की भी संभावनाएँ बन रही हैं, प्राय पितृदोष की भी एक बहुत बड़ी समस्या है, बाधा आ रही है, हर कार्य में बाधा आ रही है, दैवी प्रकोप भी बना हुआ है, दैवी प्रकोप भी आ रहा है, तो भगवान श्री कृष्ण विष्णु जी के स्वरूप का विशेष ध्यान करना है आपको।
उनकी फोटो या चित्र या मूर्ति के सामने स्नान ध्यान करके हाथ में जल अक्षत पुष्प लेकर के संकल्प कीजिए और अपना नाम गोत्र बोलिए कि भगवान हमारा अमुकडा अमुक गोत्र, हल्दी का टीका लगाइए, उसके बाद मिश्री का या किशमिश का भोग लगाइए, फल का भी भोग लगा सकते हैं। और इस मंत्र का जो मंत्र मैं बताने जा रहा हूँ 108 एक माला अथवा 5 माला आपको 40 दिन या 108 दिन तक इसका जो है पाठ करना है, नियमित जाप करना है। मंत्र क्या है? ओम क्लीम ऋषिकेशाय नमः। नोट कर लीजिए, ओम क्लीम ऋषिकेशाय नमः, ओम क्लीम ऋषिकेशाय नमः।